एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वी सिस्टर्स ओके गाइज तो बहुत सारे दिनों से एक वीडियो पर यह कमेंट आता था अपनी अप्पी, अपनी अपनी एक्सटेंशन के बारे में बताइए अपने हेयर एक्सटेंशन के बारे में बताइए तो गाइज स्पेशली नबा अंसारी जो हमारी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरा एक्सटेंशन देखा होगा तो स्पेशली उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैंने उनसे वादा किया था क्योंकि तो मैं हर वीडियो में उनका कमेंट देखती थी और मैं ये बोलती थी यार शिट फिर मैं उसका आंसर देना भूल गई फिर मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई सो गाइज बहुत ही दिनों बाद और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई एक्सटेंशन का पूछ रही थी तो आज मैं आप लोगों को हेयर एक्सटेंशन के बारे में बताने जा रही हूँ बहुत सारे लोगों के क्वेरी है ये कि मैं कौन सा हेयर एक्सटेंशन यूज़ करती हूँ जो बिल्कुल बालों में मर्ज हो जाता है बिल्कुल पता नहीं लगता है कि असली बाल है या नकली बाल हैं एक वक्त पे मेरे बाल बहुत घने हुआ करते थे बट आप लोगों को मैं शेयर कर चुकी हूँ कि कटवा कटवा कर मैंने अपने बाल बर्बाद किए हैं तो अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्दी बाल हैं तो प्लीज़ मत कटवाइएगा क्योंकि कटवाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ पछताना रह जाता और आज तक मैं पछताती हूँ कि काश मैंने मम्मी की बात सुन ली होती और मैंने अपने बाल नहीं कटवाए होते सीरियसली तो अगर आपके हेल्दी बाल हैं तो बस ट्रिमिंग करवा लिया करो कोई कट लेने की जरूरत नहीं है आपको uh, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे हो वैसे ही खुश रहो ठीक है आपके बाल छोटे हैं तो छोटे में खुश रहो बड़े हैं तो बड़े में खुश रहो बट फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके भी मतलब कहीं आप जाओ और आपके भी बड़े बड़े बाल दिखे क्योंकि कुछ ड्रेसेस होती हैं जिन पर लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं लाइक गरारा एंड ऑल तो मैं बहुत कम बहुत एक्सेप्शनली केस होता है जब बहुत मेरा दिल करता है एक्सटेंशन का वरना मैं नॉर्मल तो अपने ऐसे ही बालों से ऐसे ही बालों में जाती हूँ सो या गाइज तो मेरे हेयर एक्सटेंशन हैं ये ये मेरे हेयर हेयर एक्सटेंशन है और बस ये उलझ जाते हैं और बस इसमें यही गुस्सा आती है मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं और अभी इसमें कॉम करना पड़ेगा ये हेयर एक्सटेंशन है मेरे जब इसमें कोम्ब हो जाता है ना तो ये बिल्कुल सही लगने लग जाते हैं ठीक है ओके okay, गाइस तो ये ह्यूमन हेयर नहीं है ये सिंथेटिक हेयर है जो ह्यूमन हेयर होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं उनका एक्सटेंशन बहुत महंगा होता है बट जो आपको ये सिंथेटिक हेयर वाले एक्सटेंशन है ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं ऑनलाइन आपको ऑफलाइन भी मिलते होंगे तो मुझे नहीं पता है मैंने तो ऑनलाइन ख़रीदा है मैंने इसको ख़रीदा था फाइव समथिंग में बट अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है जो कि ट्वेंटी थर्ड को ही ख़त्म हो रहा है और अगर आप अभी ऑर्डर करते हो इसे तो ये थ्री हंड्रेड समथिंग का है हाँ थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन या थ्री हंड्रेड मैं या साइड में पिक्चर लगाऊंगी आप लोग देख लेना सो so गाइज ये एक्सटेंशन है जब इसमें हम कॉम कर देते हैं ना मोटी साइड से कॉम करना है कभी भी आप इसको कॉम करेंगे तो इसको आप मैं आपको करके दिखा रही हूँ कोम कैसे करना है तो मैंने इसको थोड़ा बहुत कोम कर लिया है जो कि ये थोड़ा सा सुलझा हुआ है आपको जब ये इसे ख़रीदना है ना तो इसको बहुत अच्छी तरीके से रखना है ठीक है मैं तो कैसे भी रख देती हूँ बट तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जब रखेंगे जब कोई भी चीज़ आप अगर अच्छे से रखोगे तो वो देर तक चलेगी तो मैं तो अभी बहुत दो तीन बार खरीद चुकी हूँ मेरा ख़राब हो जाता है ये उलझ जाता है और जब ये उलझता है ना तो ये इसमें से इतने इतने बाल निकलते हैं इसको उलझाना सुलझाना बहुत मुश्किल से होता है तो जब आप अच्छे से रखोगे तो ये उलझेगा नहीं ठीक है प्लस अगर आपके बिल्कुल काले बाल हैं तो इसको बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि अगर आपके बिल्कुल काले लगेंगे और जब आप ये लगाएंगे ना तो फिर वो बिल्कुल अलग से पता लगेंगे तो अगर आपके ब्राउन बाल हैं क्योंकि मेरे उजाले में आपने कभी मेरा वीडियो देखा होगा या मेरी लाइटनिंग में जो बाल हैं वो थोड़े ब्राउन हैं ठीक है, है ब्राउनिश है तो जब मैं ये लगाती हूँ तो बिल्कुल सेट बैठ जाता है बगर अगर आपके बाल हल्के ब्राउन है या ब्राउन है या हाईलाइटेड है तब ये आपके ऊपर बहुत बढ़िया लगेगा ठीक है पता नहीं चलेगा कि आपने नकली बाल लगाए हैं ठीक है थीके? दूसरी बात ये कि अगर आपके बाल कर्ली हैं अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप ये हेयर एक्सटेंशन नहीं खरीदेगा ये वाला आप कोई और ख़रीदना है तो खरीद सकते बट ये वाला हेयर एक्सटेंशन मत खरीदिएगा मत खरीदिएगा क्योंकि जब कर्ली होंगे और ये स्ट्रेट बाल लगेंगे तो वो अलग से पता चलेंगे तो हमें तो ऐसा लगाना है ना कि पता ही नहीं चलना चाहिए सामने वाले को कि हमने एक्सटेंशन भी लगाया है बस इसको कुछ नहीं करना होता है नीचे कान के ऊपर से ये ऐसे करके ले जाती हूँ और इसको जो ये वाला बाल है इसको मैं यू लगा दूंगी और इसमें आपको मिलते हैं इस तरह से क्लिप्स देख रहे हैं बाल उलझ गया है ये पूरा तो इसमें आपको इस तरह से क्लिप मिल जाएंगे टिकटॉक वाले क्लिप ठीक है तो इसको आपको यूँ खोल लेना है सारे यूँ फंसाना है ठीक है जो ये एक बाल है ना जैसे ये बाल है कैसे बताऊँ समझ गया होगे वैसे तो वैसे तो सपोज करना है ये बाल हैं ठीक है ठीके? क्योंकि मैं पीछे मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी पता नहीं लोग कैसे पीछे से बना लेते हैं ठीक है ये बाल है ये क्लिप है और इसको इस क्लिप में अभी घुस नहीं रहा है ये क्योंकि बालों में तो आसानी से घुस जाता है ये इस तरह घुसेगा और ये बंद हो गया ठीक है तरह से क्लिप सारी लग जाती हैं तो आपके बाल इस तरह से लगने लग जाते हैं समझ गए कि नहीं समझे तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूं लेना है यहां पे टक करेंगे ठीक है यहां पे, 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 पे एंड यहां पे ठीक है ये लग गए मेरे बाल और मैं अब इसे खोल दूंगी तो ये रहे मेरे बाल हो गए तो अब इसे इस तरह से कोम भी कर सकते हो ताकि मर्ज हो जाए आपका बाल और दोनों मर्ज हो जाए अब देखिए नकली चीज़ तो नकली है थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है और या तो जो आपको जानते होंगे वो तो पता लगा ही लेंगे दैट तो आपके तो छोटे बाल थे आपके बड़े बाल कैसे हो गए सो या यज इस तरह से आपको हेयर एक्सटेंशन लगाना है एंड आई होप इट विल हेल्प यू एंड नबर अन् दिस इज फोर यू गर्ल आपकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है और बहुत सारे लोग पूछते थे तो उनके लिए भी ये वीडियो है ठीक है तो आप शादियों में इस तरह से भी जा सकते हैं हेयर एक्सटेंशन लगा के ठीक है पहली बात ये और दूसरी बात ये इसका रिटेल प्राइस सिक्स हंड्रेड समथिंग है और ये बहुत अच्छा है मतलब कम प्राइस इसका बहुत कम है तभी मैंने इसको ख़रीदा था और ये ड्रायर का भी काम करता है ये आपका वो ड्राई भी करता है और कर्ल भी करता है और कोम भी करता है तो ये तीनों चीज़ें करता है स्ट्रेट भी करता है हाँ तो ये बहुत सारी चीज़ें करता है और बस इसको आपको ये प्लग करना है यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाई मीडियम लो ऑफ मतलब जैसा भी आपको फ्रीक्वेंसी में करना है आप कर सकते हो और गीले बालों में भी आप इसे कॉम कर सकते हो इसके साथ मतलब आप गीले आपको बस गीले बाल करना है ठीक है आप नहा के निकल रहे हो और आपके थोड़े बहुत गीले पाले एकदम ही गीले नहीं होंगे थोड़े गीले होंगे और बस इसको लगाइए और ड्राई भी हो जाएगा कॉम भी हो जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा स्ट्रेटिन भी हो जाएगा तो इससे ये आसानी रहती है कि कहीं आपको जल्दी जाना है ऑफ़िस ऑफिस का काम है तो आप इसे ये खरीद सकते हो मार्केट में इससे भी अच्छे अच्छे हैं फिलिप्स का भी बहुत अच्छा है तो आप वो भी देख सकते हो आप वो भी जाके ले सकते हो ये थोड़ा सस्ता था तो मैंने ले लिया था सो ये था सेकंड मतलब मैं सेकंड इस तरह से भी जाती हूँ ये करके और थर्डली मैं आप लोगों को एक हेयर स्टाइल और बताने जा रही हूँ जो कि मैं खुद पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ पता नहीं कैसा आउट होगा और मुझे बहुत दिनों से शौक़ था कि मैं करूँगी करूँगी स्ट्रेटनिंग से कर्ल करूँगी ठीक है तो वो मुझे बहुत दिनों से ट्राई करना था बट मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे आता ही नहीं है मुझे बस मैं क्या मेरा बस एक ही आपने आप लोगों ने देखा होगा मेरे बस एक ही हेयर स्टाइल है या तो मैं क्या करती हूँ या तो मैं बीच की मांग निकालती हूँ खुले बाल रखती हूँ ठीक है या तो मैं एक्सटेंशन लगा लेती हूँ वो भी बहुत कम ठीक है और कर्ल वगैरह मैंने कभी नहीं किए हैं तो या अब की बार मैं मगर कल करके जाऊँगी इसीलिए मैं ये सीख रही हूँ क्योंकि ये वेडिंग सीजन है और वेडिंग सीजन में अलग अलग तैयारी करके जाना होगा अलग अलग पार्टी में अब एक जगह हर जगह ऐसे तो नहीं जा सकते ना यू नेवर नो मेरा दिल करेगा तो मैं ये एक्सटेंशन लगा के भी जा सकती हूँ ठीक है क्योंकि 27 नवंबर को मेरे कहाँ एक पार्टी है और वहाँ मैं जा रही हूँ मैं बहुत प्यारी लगूँगी आप लोगों से लुक भी शेयर करूँगी आप लोगों को से मेकअप भी शेयर करूँगी और इन मेरा व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा तो ज़रूर चेकआउट करना ठीक है गाइस चलिए चलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल देखने के लिए तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ अपने बाल को दूसरा लुक देने के लिए जो कि मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है तो आप लोग के सामने ही तो यहाँ पर मैंने लिया है लिंग का सिरम ऑल टाइप को ये जाता है जितने मतलब ऑल हेयर टाइप्स को जाता है एंटी फ्रेस सिरम है तो मैं ये लेवान का सिरम यूज़ करती हूँ और कोई सिरम नहीं यूज़ करती हूँ कोई भी अगर आप हीट अपने बालों पे लगाते हो चाहे ड्राई हेयर ड्राई यूज़ करते हो या तो आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हो तो सिरम को लगाना बहुत ज़रूरी है तो मैं अपने बालों में सिरम लगा लूँगी ताकि बाल जितने भी बचे उतने भी गायब ना हो जाए इसलिए ये सिरम लगा लूँगी मैं ठीक है तो मैं अभी अपने बालों को कॉम करूँगी और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर वॉइस ओवर गाइज मैं अपनी पार्टिंग कर रही हूँ पहले आगे की मैं लट निकाल कर पीछे के बाल मैंने सिक्योर कर दिए हैं क्लिप से अब देखिए ऊपर से हम ये स्ट्रेटनिंग करते हुए आएंगे और नीचे जो एंड्स हैं वो उसको इस तरह से मोड़ देंगे ठीक है ऊपर की तरफ देखिए तो ये आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये हो गया है उसी तरह फिर हम एक लट निकालेंगे और बाकी बालों को सिक्योर कर लेंगे अगर काश कोई पकड़ने वाला होता साथ में तो और अच्छी हेयर स्टाइल हो सकती थी तो अभी मैं दूसरी लट को ऐसे कोम करूँगी हेयर स्ट्रेटनर की मदद से एंड तक आऊँगी और एंड के बाद इसको इस तरह से मोड़ दूँगी ठीक है ऊपर की तरफ ऊपर की, की तरफ ही मोड़ना है इस

तो जैसा कि बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में सारे आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि अगर ऐसे धीरे धीरे करूँगी ना तो आप लोग को खुद भी नहीं अच्छा लगेगा और आप लोग बोर हो जाओगे तो आप लोगों में से किसको करली बाल पसंद है ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे कर्ली बाल बहुत अच्छे लगते हैं मैं क्या ही बताऊँ वही होता है ना जिसके पास नहीं होता उसको वही अच्छा लगता है तो इस तरह से हम ने कर लिया है तो मेरे एक तरफ के तो बाल कर्ली हो गए हैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अगर मेरे बाल थोड़े से और घने होते तो और अच्छा रिजल्ट आता उसके बाद दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह से करना है थोड़े थोड़े बाल ले कर स्ट्रेटनिंग करेंगे नीचे आकर मोड़ देंगे ठीक है और इधर भी उसी इसी तरह करेंगे लाइक एंड डू ट्राई दिस दिस इज़ सो इजी मैन कभी तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है बट सीरियसली आई एम जस्ट लाइकिंग दिस यू नो मतलब जो पहले ऐसे ऐसे लंबा लंबा बाल दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी आ, मतलब मुझे नहीं पता कि कैमरा में कितना दिख रहा है ये बाल तो कहीं इस पर मैंने स्प्रे कर लिया हेयर फिक्सर स्प्रे कर लिया तो तब तो ये बिल्कुल नहीं खुलने वाले हैं क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट हैं मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई है मैंने, कर मैंने स्मूदनिंग करवाई हुई है जिसकी वजह से ये खुल सकते हैं बट अगर मैं हेयर फिक्सर या हेयर स्प्रे वगैरह डाल दूँगी तो मुझे नहीं लगता कि ये कर्ल्स खुलने वाले हैं तो डू थैंक्स मी लेटर अगर आपको अगर आप ट्राई करते हो और अगर आपको भी ये पसंद आता है तो डू थैंक्स मी बहुत सारे लोग पूछाते हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं अगर जिन्होंने स्ट्रेटनिंग और या स्मूदनिंग वगैरह करवाई हुई है तो वो कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म होने वाला है मैं मैट्रिक्स का यूज़ करती हूँ ये पैराबिन फ्री होता है अगर आप कोई भी शैम्पू ले रहे हो तो वो देख लिया करिए कि उसके इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या हैं और वो कैसा है ये ज़रूर देख लिया करिए कुछ भी बालों में मत लगा लिया करिए तो ये ये पैराबिन फ्री भी है प्लस फ्रिज फ्री भी है ये अच्छा से मतलब फ्रिज फ्री कर देता है बाल वगैरह तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं दोनों का कॉम्बो मैट्रिक्स का शैम्पू एंड कंडीशनर तो इसका सिरम भी अच्छा आता है आप देख सकते हो ठीक है और आ, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लोग देख लीजिएगा सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड लव यू